से चल कर आए हैं और काफी चर्चित हैं मधेपुरा में ये लोग, इनसे ही पूछते हैं। और ये बताइए कि हमारे बिहार और हमारे हिंदुस्तान का संविधान है कि लोकतंत्र कहते हैं इसे, और हर एक व्यक्ति को अपने जीने का हक है, किसी को रात में बुला करके रात में 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक टॉर्चर करना और उसके बाद निर्माण हत्या कर देना, कहाँ तक सही है? ये सरासर गलत है। ये दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे, ये दोनों परिवार सामंजस्य कर सकते थे, ये दोनों परिवार एक दूसरे के संबंधी बन सकते थे। इसमें ये विचार, निर्मम हत्या करने का विचार गैर संवैधानिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर दोनों परिवार आपस के लोग एक दूसरे को भी जानते थे, और छोटू भी कभी कभी, ऐसा लोगों ने बताया, वहां के ग्रामीणों ने बताया कि छोटू कभी कभी आरती के जो पिताजी है उनको लेकर के मार्केट वगैरह जाया करते थे। वही बात मैंने अभी कहा आपको कि दोनों परिवार एक दूसरे से जुड़े हुए थे, सत्संगी थे, सत्संग में साथ जाते थे, दोनों परिवार एक दूसरे के यहाँ जाना आना था, ये सामंजस्य हो सकता था, ये बीच का रास्ता निकाल सकते थे। दोनों एक ही जाति के थे, दोनों लोग संबंधी बन सकते थे। ये विचार जो निर्मम हत्या का आया, ये गलत है, सरासर गलत है, गैर संवैधानिक है, ये संविधान से परे। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ वकील साहब हैं और कुछ पत्रकार भाई हैं जो सोशल मीडिया पर घर बैठे कॉपी लिंक चलाते हैं, वो लोग कभी ये सवाल आपसे नहीं करना चाहिए, मुझे कोई पत्रकार भाई से करना चाहिए, मगर ये बताइए, कुछ पत्रकार भाई आपस में ही लड़ रहे हैं आरती को लेकर के, और कुछ पत्रकार भाई कभी ये दिखाते हैं कि वकील साहब के पास जाकर के ये बयान चलाते हैं कि आरती क्या चीज है। अच्छा ये बताइए, एक महिला है जो मधेपुरा से ये भी आई हुई है, अच्छा एक बताइए, एक महिला, आप भी एक महिला है, आरती भी एक महिला है, अभी जो हिसाब से बताया जाए, क्या लगता है आपको कि आरती कहाँ तक सही है? गलत कहाँ तक हम लोग कह सकते हैं, सही नहीं कहेंगे तो उसको गलत कहाँ तक कह सकते हैं? फिर आखिर वकील साहब का कहना है कि आरती बच्चलन है, फिर बहुत सारे सोशल मीडिया पर एक वीडियो है हमारे पास, मैं वो दिखाना चाहता हूँ, मतलब जिस तरह से वो वीडियो में अब उनको सोशल मीडिया बोला जाए या सोशल मीडिया फेक बोला जाए, इस तरह से वीडियो वायरल करना, गलत अफवाह उड़ाना, गलत मैसेज किसी महिला किसी लेडीज के खिलाफ करना, आपको क्या लगता है ये कहां तक सही? गलत अफवाह उड़ाना ये बहुत गलत है। अच्छा न्याय, अच्छा एक मिनट, न्याय किसको मिलना चाहिए? वकील साहब का बयान भी सुने जो गलत लड़की को बोल रहे हैं कि आरती पर चलन है, आरती सही नहीं है, आरती ही गलत है। एक डॉक्टर, एक एडवोकेट है एपी सिंह करके, हमने उनका बयान को सुने हैं और उनका बयान बहुत ही अच्छा लगा हमको, वो भी तो एक एडवोकेट है ना। अच्छा न्याय किसको मिलना चाहिए? मेरा सवाल सुन लीजिए, न्याय किनको मिलना चाहिए? आरती को मिलना चाहिए या छोटू के पिता को मिलना चाहिए? छोटू के पिता को मिलना चाहिए, छोटू के पिता को मिलना चाहिए, यही सवाल था हमारा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया वाले को जो लगातार वीडियो वायरल कर रहे हैं, कभी छोटू के खिलाफ कोई मीडिया वाले ये दिखा दे रहे हैं कि बाथरूम में किस तरह का कपड़ा है, क्या है, तो ये पुलिस का जांच है, प्रशासन इसको जांच कर सकती है। और आज 22 से 24 दिन हो गया इस घटना को लेकर के, आज हमारा तीसरा बार है, इससे पहले भी हम आए हुए थे, मगर क्या एक्सक्यूज आया हुआ था वो हम कमेंट में दिखाएंगे, मगर जो एक वीडियो है वो भी हमारे स्क्रीन पर चलेगा कि सोशल मीडिया पर कुछ पत्रकार बंधु भाई लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। ये बताइए कि लगातार सोशल मीडिया पर, लगातार सोशल मीडिया वाले जो सोशल मीडिया चलाते हैं, जैसे फेसबुक वगैरह वीडियो कॉपी करके कभी आरती के खिलाफ, कभी छोटू के खिलाफ, कभी आरती को उस वीडियो में गलत साबित कर दिया जाता है, कभी छोटू को अच्छा साबित कर दिया जाता है, तो इस सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो टीआरपी का छर्रा उड़ा के यहाँ से चले गए। नाजायज किए हैं, नाजायज होगा, नॉर्मल हत्या हुआ बच्चा का, छोटू का बाप कोई नया मिलना चाहिए। नहीं, मैं मानता हूँ कि छोटू की हत्या हुई है, छोटू को इंसाफ मिलना चाहिए, छोटू के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, मगर जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और एक पत्रकार दूसरे पत्रकार का पक्षपाती कर रहे हैं कि वो सही नहीं है, वो मीडिया गलत है, निष्पक्ष होना चाहिए। अच्छा आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि आज जो भी पत्रकार बंधु यहाँ आते हैं तो वो तो खैर जो भी बैठ आरती का जो सोशल वाले हैं वो देते हैं, यानी होने वाले सोशल वाले अभी तो हैं,
लेकिन उनको इस रिश्ते को अभी कोई नाम नहीं दिया। हाँ, नाम नहीं। और सबसे पहले उनको ये देख लेना चाहिए, जितने भी पत्रकार बंधु आते हैं, कि कैसे हमको खबर चलाना है। घर बैठे खबर नहीं चलाना है, कोई भी खबर आज देखे होंगे सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया ही कहिए उनको, कि बहुत तरीका का खबर ऐसा चला है जो आरती गुजर गई है, कभी आता है, कभी ऐसा आता है कि उसका हत्या नहीं किया गया है। आप देखे होंगे खोल के YouTube, जब भी अगर आरती छोटू किसी का परिचय का मोहताज नहीं है, ऐसे तो परिचय बहुत हो गया होगा, पर लेकिन ये सब गलत सलत डालना अच्छी बात नहीं है। यहाँ से मेरा घर 25 किलोमीटर है और मैं मोहम्मद परवेज आलम, हिंदुस्तानी मीडिया, और 25 किलोमीटर में मैं सारा हकीकत, मतलब यहाँ आ करके खुद लेना चाहता था कि हमको खुद वहाँ जाएंगे तो हमको खबर मिलेगा। ये घर बैठे कोई फोटो लगा करके, कोई रिकॉर्ड चला करके खबर नहीं चलाया जाता। नहीं, रिकॉर्ड की अगर बात करें तो मैंने खुद उसको रिसर्च किया था, मैं खुद रिसर्च किया, और वो रिकॉर्ड जो है दिल्ली के नोएडा का पाया गया। हालांकि मैं उनसे आरती के भाई से ही बयान लिया और छोटू के भाई से बयान लिया, उसने ये स्पष्ट कर दिया कि नहीं, ये रिकॉर्ड हमारा नहीं है। और बल्कि जो रिकॉर्ड के बारे में बात करें, आरती जो है सिंपल सा मोबाइल चलाती थी, छोटा मोबाइल चलाती थी, तो उसमें रिकॉर्ड होने का कोई संभावना नहीं है। नहीं, ये तो रिकॉर्ड हकीकत सही सवाल है कि रिकॉर्ड उनका नहीं। देखिए, एक वीडियो आया हुआ था, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आरती कह रही है और फिर उसके बाद किस तरह का एडिटिंग किया है। इसीलिए मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ, क्योंकि इस वजह से बहुत सारे ऐसे मीडिया हैं जो अपने आप पर चौथे स्तंभ कहलाते हैं, मगर फिर भी लोगों के सामने और समाज के सामने वो बदनाम करते हैं। देखिए ये वीडियो और एक और वीडियो है, इसके आगे हमने दिखाएंगे, एक और वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में आरती कह रही है, देखिए ये एडिटिंग है या सोशल मीडिया है इसको हमने, मगर ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आरती कह रही है कि आप आइए, हम देखेंगे आप कैसे हैं, शादी ब्याह की बात अपने पिताजी से कहेंगे। मगर जब निर्माण हत्या हुई तो क्या बात सामने आई, वो हम भी उस समय का ही मैं वीडियो दिखाऊंगा। मगर आज हम आरती घर पर इसीलिए आए ताकि उन सोशल मीडिया वाले को मैं बता दूं और वो दिखा दूं कि जब तक आप घटनास्थल और उस जगह पर मौजूद ना हो जाएं, तब तक आप खबर विस्तार से ना चलाएं, क्योंकि ये जो आरती और छोटू की जो प्रेम कहानी है, हमारे रानीगंज अररिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें, पत्रकारों की बात करें, तो मिलियन मिलियन व्यूज यहाँ से बटोर के लेके चले जाते हैं। और वो ये नहीं सोचते हैं कि छोटू के पिता पर क्या गुजर रहा है, आरती के पिता पर क्या गुजर रहा होगा, और जो हत्यारे हैं वो हत्यारे कौन है, अभी तक पुलिस उनकी खुलासा नहीं की। मगर जो नाम के अफयार, अच्छा एक और चीज सामने आई थी कि जो अफयार हुआ था वो आरती नहीं, आरती की थी, आप नहीं किए थे जी, मैं किया, आप खुद किए थे। और हाँ, मैंने देखा था कि एक न्यूज चैनल वाले थाना के आगे मैं आपसे बातचीत की, और उसमें जब उनके जो भाभी या बहने जो पकड़ा गए थे, अच्छा चार लोगों की गिरफ्तार हुई, अभी कितने लोग बचे हुए हैं? अभी तीन लोग बचे हुए हैं, एफआईआर के मुताबिक दो आदमी जो है ना 64 के बयान में दिया गया है, इतनी ज्यादा भी करूँ ज्यादा। अच्छा, क्या मांग करते हैं प्रशासन और सरकार से? देखिए, प्रशासन से सरकार से मेरा यही मांग है, ऐसे हत्यारे को फांसी होना चाहिए, फांसी मांग करता। तो पिताजी थे, आगे भी एपिसोड के बाद मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से घटना होने के बावजूद आज 24 दिन के बाद क्या सब हुआ, वो हम दिखाएंगे। जब तक के लिए बने रहे PT News ब्यूरो रिपोर्ट।